गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं अनु। गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि इंटर डेंटल ब्रशेस के बारे में मैम आप रिव्यू दीजिए। दांत में बहुत ज़्यादा झंझनाहट सा होता है, दर्द है, मसूड़े होते हैं, दोनों दांत के गैप में खाना फंस जाता है, तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था इंटर डेंटल ब्रशेस के बारे में, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना और एक वीडियो बना के सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूँ कि क्या है क्या नहीं, किस तरह से यूज़ करना है, क्या इसका बेनिफिट्स है। देखिए इंटर डेंटल ब्रशेस सबके घर में होना चाहिए। अगर आपका एज 20 से अबव है तो तब से लेके सबके घर में होना चाहिए। अगर आपका एज है 40 या अगर आपका दोनों दांत के गैप में ज़्यादा थोड़ा सा गैप है तो उनमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं। फूड पार्टिकल्स अगर जम जाता है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं, फिर कैविटी होते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ब्रशेस हम लोग रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं उसमें उतना अच्छे से क्लीन नहीं होता है। इसके वजह से इंटर डेंटल ब्रशेस जो है ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और ये बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं आपका दांत के बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं उनको अच्छे से निकालते हैं। और किस तरह से आपको निकालना है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो मैं आपको बताती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। देखिए कम एज के लोगों में इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे कि मैं 1 से 2 दिन वीकली यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं नॉनवेज खाती हूँ स्पेशली उस दिन। और जिनको ज़्यादा गैप है दांत में, थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके दांत में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाते हैं, हर एक दांत में गैप होने लगते हैं, तो उनके लिए ये एवरी डे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी क्या लिखा है क्या क्या नहीं। बहुत ज़्यादा सस्ता है ये और ये सिलिकॉन से बनते हैं। देखिए टूथपिक तो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उससे क्या होता है ना, दांतों में और ज़्यादा गैप हो जाते हैं, ब्लड ज़्यादा निकलने लगते हैं, वो बिल्कुल हार्ड सा होता है। और ये बिल्कुल ब्रश जैसा है, इसके ये जो है ना, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ खोल के, ये जो है इसके अंदर में ये बिल्कुल सिलिकॉन का एक ब्रश है जो आराम से वो आपका फूड पार्टिकल्स को अच्छे से निकाल के कैविटी नहीं होने देगा और दांत मसूड़े आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मैं आपको क्लोज से इसको दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा, साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करती हूँ। देखिए इसमें 5 रहते हैं, 3 मेरा मैंने फेंक दिया है, यूज़ हो गया था, और 2 है। एक एक ब्रश आप 7 से 8 बार यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो 7 डेज बाद एक, और अगर आप जैसे मैं यूज़ करती हूँ वीकली 2 डेज क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता उतना, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको धो के रख दोगे, यूज़ करने के बाद सूख जाएगा तब इसी में अंदर में रखना है। तो चलिए मैं इन डिटेल्स में आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, थर्मोसील प्रोक्सा एनएस इंटरडेंटल ब्रशेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रशेस प्रोक्सा इंटरडेंटल ब्रशेज एंड इफेक्टिव क्लीनिंग टूल फॉर यूज़ एज ए पार्ट ऑफ गुड ओरल हाइजीन। तो ये क्या करते हैं ना, आपके दांत का जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए दोनों दांत के बीच में इस तरह से आपको इसको घुसाना है बहुत ही सॉफ्टली, और बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करके फूड पार्टिकल्स जो जम जाते हैं उसको निकाल देना है। तो उससे क्या होगा, आपका कैविटी नहीं होगा, झंझनाहट सा नहीं होगा, दांत आपको उठाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक आपका दांत सही रहेगा। देखिए ये इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है किस तरह से यूज़ करना है, यूजिंग इधर ए वाइड स्पेस और नैरो स्पेस ब्रश, इंसर्ट इट केयरफुली बिटवीन योर टीथ, धीरे धीरे कर इसको आपका दोनों दांत के अंदर में घुसाना है और धीरे धीरे निकाल, एक बार अंदर एक बार बाहर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बिगिन एट द बैक ऑफ योर माउथ एंड ऑन द आउटसाइड रो ऑफ टीथ, यूज रिपीटेड इन एंड आउट मोशन इन ईच इंटरडेंटल स्पेस, जो भी इंटरडेंटल स्पेस है वहाँ पे इन और आउट मतलब है, एक बार आपको अंदर लेके जाना है फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर, रिपीटेडली आपको इसको इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका दांत का दोनों दांत के अंदर में जो भी कीड़े जो भी फूड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्रश तो आप यूज़ करोगे इसको रेगुलर, इसको किस तरह से यूज़ करना है, पहले मैं जो क्या करती हूँ इसके ये जो है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इसको खोल दिए, देखिए
इसमें सिलिकॉन ब्रशेस है, और जो कि टूथपिक जो आप यूज़ करते हो वो उतना अच्छा नहीं होता। ये बहुत ही देखिए सॉफ्ट है। इसको आपको अंदर में लेके जाना है, फिर बाहर लाना है, फिर अंदर इस तरह से पुश करना है और बाहर आना है, पुश करना है फिर बाहर। तो इससे क्या होगा ना, ब्रश के चार पास में पूरा जो फूड पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाएगा और कैविटी भी नहीं होगा। अगर बदबू आता है वो भी नहीं होगा। और इसको उसके यूज़ करने के बाद खाना खा लिया, फिर इसको पेस्ट लगाइए इसके ऊपर में, फिर इसको जहाँ जहाँ आपका लगता है कि आपको गैप में खाना फंसा हुआ है वहाँ पे अंदर कीजिए, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे करके बाहर अंदर करके मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से। इस तरह से अंदर कीजिए दोनों दांत के गैप में, फिर बाहर कीजिए। एक हाथ में मैं एक्चुअली मोबाइल पकड़ी हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। तो अंदर घुसाना है फिर बाहर लेके आना है, फिर अंदर घुसाना है फिर बाहर लेके आना, इस तरह से आपको करना है। इसको आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, अंदर अंदर बाहर अंदर बाहर, इस तरह से आपको करना है। तो सारा खाना बाहर आ जाएगा और आपका दांत भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको अच्छे से इसको धो के सूखने के लिए छोड़ देना है कोई भी प्लेस में, और उसके बाद इसको इस तरह से जो इसका जो कैप है इसके अंदर में घुसा के इस तरह से, मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह से इसको अंदर में देके फिर आपको इसी के अंदर में आप रख दीजिए, ठीक है। इसका प्राइस देखिए, प्राइस है 149। मैं लिंक दे दूँगी, थोड़ा और कम में मिल जाएगा। से 5 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपका खाना कभी कभी फंसता है तो इसको आपको रेगुलरली यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब फंस जाता है तब तब आप इसको यूज़ कीजिए, फिर धो के अच्छे से रख दीजिए। और उसके बाद ये जब यूज़ कर लिए आप, फिर इसको तो आप सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर आप अपना ब्रश लेके, रेगुलर जो ब्रश से आप वॉश करते हो वो अपना ब्रश लेके आप एक बार दांत को क्लीन कर लीजिएगा, तो सारा पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स निकल जाएगा और आपका दांत बिल्कुल सही रहेगा।